डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन बेमना श्रीनगर। मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पहले ही नीयत रखी थी कि हम आप बच्चों को ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन से पढ़ाएंगे, जिन बच्चों को ऑफलाइन में डाउट रहेगा और उन्हीं बच्चों के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करके रखेंगे और वो बच्चे डाउट क्लासेस ऑफलाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं और अगर वहां पे नहीं हुआ स्टिल वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं हमारे इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कोई बच्चा एब्सेंट रहता है, ऑफलाइन क्लास मिस करता है, बीमार हो जाता है, तो एक दो तीन दिन तो उसके छूट जाते हैं। अब परेशानी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज हम लेके आए हैं ऑनलाइन कोर्स आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो हमारे पास ऑफलाइन एक तो नहीं पढ़ते हैं, दूसरी बात जो कभी कभार ऑफलाइन क्लासेस मिस कर पाते हैं किसी रीजन की वजह से। तो बेटा मेरा, पहले हम फाउंडेशन और उसके बाद हम बेटा 11th 12th मेडिकल के वीडियोस भी अपलोड साथ साथ करेंगे। आपको फाउंडेशन में आपका साइंस भी, यानी कि उसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी के सारे वीडियोस विद क्लियर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे और वही फैकल्टी आपको पढ़ाएगी जो बेटा आपको ऑफलाइन पढ़ाती है। और हम हर टॉपिक, चाहे बेटा हम बायो की बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हम हिस्ट्री की बात करें, हम ज्योग्राफी की बात करें, हम मैथ्स की बात करें, हर कॉन्सेप्ट हर टॉपिक बेटा आपको डेप्थ से पढ़ाया जाएगा, आपका लूप होल नहीं रखा जाएगा। बेटा हर टॉपिक के बाद या हर चैप्टर के बाद बेटा हम आपको एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी क्लास 10th से ही इसी चैप्टर, मिसाल मैंने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर उठाया, चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा मैं आपको क्या एंट्रेंस के क्वेश्चंस दूंगा जो हमने इस चैप्टर में पढ़े होंगे, ताकि हमें साथ साथ जहन में यह रहे भाई साहब हमारी आखिर आगे मंजिल एंट्रेंस की है। तो बेटा बात करूंगा मैं बायो की, बिकॉज मैं एक बायो टीचर हूं, पिछले 8 सालों से बायो पढ़ाता हूं। तो बायो से स्टार्ट करते हम, पहला डिजिटल लेक्चर बेटा आज अपलोड होने वाला है। जुड़ के रहे हमारी चैनल वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ, हर कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, हर एंट्रेंस का पॉइंट आपको दिया जाएगा। तो बेटा ये वन शॉट नहीं होगा, ये बेटा कंप्लीट आपका ऑनलाइन कोर्स इस तरीके से हमने फ्रेम किया है ताकि जो आपका कोई भी कोर कॉन्सेप्ट हो उसको डेप्थ से हम स्टडी करें। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। बेटा मैं आपको बताऊं ये कि सबसे पहले आपको फिजिक्स के लिए अलग टीचर मिलेगा, बायो के लिए अलग टीचर मिलेगा, हिस्ट्री के लिए अलग होगा, ज्योग्राफी के लिए अलग होगा, मैथ्स के लिए अलग होगा, इंग्लिश के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग, सारा कुछ बेटा हम आपके लिए फ्रेम कर चुके हैं। आपको किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत बेटा आपको आप आने नहीं देंगे। हम आप दिल से पढ़ाते थे और आप फिर से बेटा दिल से ही पढ़ाएंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर को। और अगर आउट से, यानी कि बस बाहर का कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा 10th का या किसी भी स्टैंडर्ड का देख रहा है, उसको भी हम अपनी चैनल में वेलकम करते हैं। चलिए बेटा मैं स्टार्ट करता हूं बायो से। बेटा आपको पता होनी चाहिए क्लास 10th की हम यहां बात करेंगे, हर क्लास की वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, 8th के भी, 9th के भी, 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी, एंट्रेंस के भी। और याद रखना बेटा, विद बेस्ट डायग्राम्स, विद बेस्ट बेटा आपके एनिमेशंस यहां पे रखी जाएंगी। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा, अगर हम बायो 10th क्लास की बात करें बेटा, बायोलॉजी जो है इसमें बेटा आपको 6 चैप्टर्स मिलेंगे। बेटा आपको इसमें 6 चैप्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहले बेटा अगर हम पहले चैप्टर की बेटा बात करेंगे, पहला चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस। याद रखना बेटा पहाड़ जैसा बड़ा है, अंदर कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह सारे क्रिस्टल क्लियर किए जाएंगे। दूसरा चैप्टर जो बेटा आपका है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
और बेटा आपका जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर बेटा आपका जो इसमें है वो है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, कौन सा है? रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। और हर टॉपिक को बेटा हम डेप्थ से पढ़ेंगे, डेप्थ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टेंशन मत लीजिएगा आप। अब बेटा आपके सारी परेशानियों का हल वेल इंस्टीट्यूट लेके आया है। चौथा जो बेटा चैप्टर आपका है वो है जेनेटिक्स, या जिसको आप हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बोलते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बोलते हैं। और पांचवा जो बेटा आपका चैप्टर है वो है आवर एनवायरमेंट। कौन सा है बेटा? आवर एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट। और नेक्स्ट बेटा आपका जो चैप्टर है वो लास्ट वाला जो चैप्टर है वो है बेटा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये है बेटा आपके चैप्टर्स। सुनना बेटा अच्छे से, बात को समझना अच्छे से बेटा, बात को समझिएगा। पहला जो चैप्टर है बेटा, अगर हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, लाइफ प्रोसेस चैप्टर बेटा ऑफलाइन क्लास में हम इसमें तीन मंथ्स देते हैं बेटा इसमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। बिकॉज जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है इसमें बेटा चार टॉपिक्स है, 6 सब टॉपिक्स है। और याद रखिएगा जो ही आप बेटा 11th में जाएंगे, 11th में आपको 6 चैप्टर्स मिलते हैं फिजियोलॉजी में, जूलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी में। वो आपको पता है वो 6 चैप्टर्स कहां से निकल के आ रहे हैं? इसी बेटा लाइफ प्रोसेस से निकल के आ रहा है, इसी लाइफ प्रोसेस से निकल के आ रहा है। इसीलिए बेटा यहां 10th क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, 11th में कोई परेशानी नहीं। मैं बेटा वादा करता हूं आपके साथ, जब आप लाइफ प्रोसेस का चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे या पूरा जो 10th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से पढ़ोगे, मैं वादा करता हूं बेटा आपके साथ, दावे से बात कह रहा हूं, एंट्रेंस में आपकी सिलेक्शन डन। बच्चे क्यों ड्रॉप होते हैं एंट्रेंस में? रीजन यही है, वो बेटा क्लास 10th को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। 8 सालों के टीचिंग करियर में मेरे बेटा यही पाया कि बच्चे 10th क्लास में जब अच्छे नहीं पढ़ते हैं तो बेटा 11th 12th में उनको मुश्किलात का हद से ज्यादा सामना करना पड़ता है। जुड़ जाइए बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा आपके लिए होगा, बेहतर आपके लिए होगा, एंट्रेंस में सिलेक्शन डाल, बस खाब देखिए एंट्रेंस का बेटा। दूसरा है बेटा आपके चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 11th में आपको 2 चैप्टर्स इसी से मिलते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, बेसिक यही है, वहां टीचर बेसिक नहीं बोलेगा। तीसरा बेटा रिप्रोडक्शन। 12th में आप जब जाएंगे बेटा 12th में, वहां आपको रिप्रोडक्शन पे बेटा 2 चैप्टर्स मिलेंगे और बेटा वो इसी चैप्टर से निकलते हैं। 70% आपको यहां ही उसका कंटेंट मिलेगा, 70%। और उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, 12th में जाओ जब बेटा 4 चैप्टर्स आपको बेटा जेनेटिक्स से मिलते हैं, 4 चैप्टर जेनेटिक्स से वहां निकलते हैं, इसी चैप्टर से निकलते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से 4 चैप्टर्स बेटा, अच्छे से गौर से समझो। नेक्स्ट है आवर एनवायरमेंट। बेटा आवर एनवायरमेंट जो है ना, इसमें 12th में थोड़ा सा एंट्रेंस में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक छोटा सा चैप्टर है, उतना टाइम तो नहीं लगेगा, ज्योग्राफी का है एक्चुअली, बट 10th में बायो के साथ पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चले बेटा हम पहले ही चैप्टर की बात करते हैं, बोर्ड्स के टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ बेटा हम एंट्रेंस का जो व्यू है, एंट्रेंस के पॉइंट जो है, मैं साथ साथ बोलूंगा इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में, एंट्रेंस में इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, साथ साथ हाईलाइट करूंगा बेटा, टेंशन मत लीजिएगा, बस सिर्फ बेटा आप फोकस करिएगा। चले पहले चैप्टर के बेटा हम बात करेंगे, वह है कौन सा? लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। बात को बेटा गौर से समझो, मैं लिखता हूं यहां पर, पहला ही बेटा लाइफ प्रोसेस। समझो बेटा लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस बोलो आप या लाइफ प्रोसेस बोलो, देखो बेटा क्या होता है। पहला चैप्टर आपका बायो का, लाइफ का मतलब होता है बेटा जिंदगी, प्रोसेस का मतलब होता है काम, एक्टिविटीज। तो बेटा मैं हैक से लिख सकता हूं यहां पे कि लाइफ का बेटा मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब होता है बेटा जिंदगी, ठीक है ना। उर्दू की भी बेटा, उर्दू की भी बुनियाद यहां रखेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है काम काज बेटा, काम काज, समझो बेटा अच्छे से। तो क्या मीनिंग इसकी निकलती है कि जिंदगी के काम काज, क्या सर यही है हम खाते पीते हैं, पिकनिक जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, क्या यही लाइफ प्रोसेस? बेटा गौर से बात को समझो, लाइफ प्रोसेस का मतलब एक लिविंग थिंग। सर लिविंग थिंग बोलते किसको है बेटा? याद रखना प्लांट भी लिविंग थिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग थिंग है, छोटा कीड़ा भी लिविंग थिंग है, इंसान भी लिविंग थिंग है, लाइन भी लिविंग थिंग है।
कोई भी लिविंग थिंग अपनी जिंदगी के दौरान, आपको पता है जिंदगी किसको बोलते हैं, लाइफ किसको बोलते हैं, छोटे से छोटे बेटा हम ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, गौर से समझो बेटा। जब एक इंसान पैदा होता है उसकी एज जो है बेटा 0 साल की होती है, 0 एज बेटा होती है 0। और चलते चलते बेटा, चलते चलते मिसाल के तौर पर बेटा वक्त आ गया 60 या 70 ईयर्स, मान लो बेटा 70 साल का हो गया। जब वो पैदा हो गया था उसकी एज जो है बेटा वो 0 साल की थी, मानते हैं हम इस बात को। और जब ये इंसान बेटा चलते चलते 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 50 साल का, 70 ईयर्स का हो गया बेटा, अब इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, समझो बेटा। यहां पे 0 एज में क्या हो गया था, बर्थ बेटा, यहां पैदा हो गया था वो, और चलते चलते 70 एज में क्या हो गया, डेथ हो गया। ये जो बीच में बेटा जो वक्त है ना, ये जो बीच में जो टाइम है ना, 0 साल से 70 के बीच में जो ये टाइम है बेटा, इसको हम लाइफ बोलते हैं। तो बेटा मैं हक के साथ बोल सकता हूं, लाइफ का मतलब होता है जब एक इंसान पैदा होता है वहां से लेके जो टाइम पीरियड होता है उसके डेथ तक, जब एक इंसान पैदा होता है वहां से लेके जब वो मर जाता है, इस बीच जो एक टाइम होता है इसको बेटा हम लाइफ बोलते हैं, इसको हम जिंदगी बोलते हैं। यही तो बेटा हमारी कहानी है बेटा। इसी लाइफ में हम क्या क्या काम करते हैं, इसी जिंदगी में, इसी लाइफ में, इसी पीरियड में हम कौन सा ऐसा काम करते हैं जिस काम के करने की वजह से बेटा हम जिंदा रह पाते हैं। याद रखना बेटा, इस लाइफ में, इस जिंदगी में, लाइफ में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो हम थिंग्स करते हैं, जिस काम के करने की वजह से हम जिंदा रहते हैं, उसी को बेटा लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एक बार और बेटा जरूर देखिएगा। अगर एक लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग बेटा अपनी जिंदगी के दौरान कौन सा ऐसा काम करता है जिस काम के करने की वजह से वो जिंदा रहता है, या मैं कह सकता हूं कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से मैं जिंदा रह पाता हूं बेटा, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जिस काम की वजह से मैं जिंदा रह पाता हूं, उस काम को बेटा हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, उसी काम को बोलते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा मैं आपको लाइफ प्रोसेस की एग्जांपल तो देख सकता हूं बेटा। अब देखिए मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटा ऐसा काम होता है यानी कि खाना पीना, मैंने फूड को उठाया खा लिया, मैं जिंदा रहता हूं। क्यों मैं फूड को खाता हूं, ताकि मैं जिंदा रहूं। अगर मैंने फूड को बेटा खाया तो मैं जिंदा रहता हूं, अगर मैं फूड को ना खाऊं तो मैं जिंदा नहीं रहता हूं। तो मैंने बोला ना बेटा ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले खाना पीना, फूड को उठाना खा लेना, इसको बेटा हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्यों खाता हूं मैं, ताकि मैं जिंदा रहूं। अगर मैंने फूड को खाया मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैंने फूड को नहीं खाया मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो लाइफ प्रोसेस की बेटा मीनिंग यही होती है कि ऐसा कोई भी काम जो मैं करता हूं जिसकी वजह से मैं जिंदा रहता हूं, उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन, खाना पीना भी एक काम है जो मैं जिंदगी के दौरान करता हूं, जिस काम की वजह से मैं जिंदा रहता हूं बेटा, इसको भी मैं लाइफ प्रोसेस कह सकता हूं। बिल्कुल बेटा, ये तो लाइफ प्रोसेस की बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा, अगर मैंने नहीं खाया तो जिंदा नहीं रहूंगा। तो बेटा न्यूट्रिशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है बेटा। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं है बेटा रेस्पायरेशन। सर क्या होता है रेस्पायरेशन, आगे बेटा इसकी खाल खींचेंगे, ये रेस्पायरेशन क्या होता है। फिलहाल बेटा आपकी लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं सांस लेना छोड़ना, नहीं बिल्कुल नहीं, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा कि हमने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ा, या फिलहाल जो जिसे आप रेस्पायरेशन कहते हो फिलहाल कहो, बाद में हम इसको बेटा क्लियर करते हैं। रेस्पायरेशन हम क्यों करते हैं, सांस वगैरह अंदर क्यों लेते हैं, ताकि हम जिंदा रहें। अगर हमने सांस ली जिंदा रहेंगे, सांस नहीं ली मर जाएंगे। तो बेटा इसका मतलब रेस्पायरेशन सर ये हम लाइफ में करते हैं ताकि हम जिंदा रहें। अगर हमने रेस्पायरेशन की जिंदा रहेंगे, नहीं की मर जाएंगे। तो बेटा लाइफ प्रोसेस की एग्जांपल क्या है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, ऐसा कोई भी काम जो हम जिंदगी में करते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो बेटा रेस्पायरेशन एक काम है ना, इसको हम जिंदगी में करते हैं ना ताकि हम जिंदा रहें, करेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। इसका मतलब रेस्पायरेशन भी क्या है बेटा, एक लाइफ प्रोसेस है। तीसरी बेटा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, वो है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है
या फिलहाल आप सर्कुलेशन बोलो। मिसाल के तौर पर बेटा मैंने फूड खाया, फूड मेरे इंटेस्टाइन में गया, या मैं कहता हूं मेरे हार्ट में बेटा ब्लड है और जब हार्ट पंप करता है ये ब्लड बेटा यहां इस हाथ तक पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है, टो तक पहुंचता है, यहां पहुंचता है, आगे पहुंचता है, पीछे पहुंचता है नहीं पहुंचता है बेटा। ब्लड का इधर उधर जाना, ब्लड में चीजें होती है, न्यूट्रंस होते हैं, इनका उधर उधर जाना बेटा आप इसी को तो ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, चीजों का इधर उधर जाना इसको बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अगर बेटा ट्रांसपोर्टेशन हो गई हमारी बॉडी में, ब्लड ने इधर उधर पंप किया, हार्ट ने पंप किया, ब्लड इधर उधर गया, चीजें फूड ऑक्सीजन इधर उधर गया, हम जिंदा रहते हैं क्योंकि सेल्स को फूड मिलेगा, हम जिंदा रहेंगे। अगर बेटा ये ब्लड इधर उधर नहीं गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं की, सेल्स को फूड नहीं मिलेगा, सेल्स मर जाएंगी तो हम बेटा मर जाएंगे। इसका मतलब बेटा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ये चीजों का हमारी बॉडी में इधर उधर जाना, इसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अगर बेटा हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो गई हम जिंदा रहेंगे, अगर बेटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो गई हम मर जाएंगे। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन तो लाइप्रोस की डेफिनेशन सेम है ना, तो लाइप्रोस का मतलब होता है ना कि कोई भी ऐसा काम जो हम जिंदगी में करते हैं ताकि हम जिंदा रहें। बेटा इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसा काम है ना जो हम जिंदगी में करते हैं, मरने के बाद मत करते हैं, जिंदा होने से पहले मत करते हैं, जन्म लेने से पहले मत करते हैं, ये हम ये काम तो हम जिंदगी में करते हैं बेटा। ये काम जो है ना ट्रांसपोर्टेशन, ये हम जिंदगी में इसलिए करते हैं ताकि हम जिंदा रहें। अगर हमने किया ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो गई हम जिंदा रहेंगे, अगर नहीं हो गई तो हम मर जाएंगे बेटा। चौथा जो काम होता है बेटा आप याद रखना वो होता है एक्सक्रीशन। सर क्या होता है एक्सक्रीशन? बात को बेटा गौर से समझो, नजर बराबर रखो बेटा, नजर बराबर रखो, डॉक्टर बनना है आपको, नजर बेटा बराबर रखो। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा याद रखना, एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है। सर कैसे? बेटा सुन, एक्सक्रीशन का ये एक्सक्रीशन का मतलब होता है अगर हमारी बॉडी में कोई वेस्ट बनता है, पेशाब बनता है, यूरिन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, स्वेट पसीना बनता है बेटा, इन वेस्ट को, ये जहर होता है ये वेस्ट, इस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, इस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, इसी को बेटा हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट जो टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी में, जो वेस्ट होता है इसको बेटा अपनी बॉडी से बाहर इलिमिनेट करना, बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना, इसको बेटा हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। आपको अल्लाह की कसम है बेटा, अगर हमने ये इस एक्सक्रीशन यानी कि अगर हमने वेस्ट को बाहर निकाला हम जिंदा रहेंगे ना। अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जमा रहा, ऐड होता गया बेटा, ये जहर होता है, हमारी सेल्स को एपोप्टोसिस करेगा, ब्रेक करेगा, किल करेगा, मार देगा बेटा। तो वेस्ट का बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। जब हम पेशाब को बॉडी से बाहर निकालते हैं हम जिंदा रहते हैं, अगर हम पेशाब को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो बेटा मर जाएंगे। इसका मतलब है एक्सक्रीशन बेटा एक ऐसा काम होता है जो हम जिंदगी में करते हैं ताकि हम जिंदा रहें। अगर हमने बेटा एक्सक्रीशन की हम जिंदा रहेंगे, अगर हमने बेटा एक्सक्रीशन नहीं की हम मर जाएंगे। तो बेटा लाइफ प्रोसेस के साथ इसका तालमेल है ना, क्योंकि लाइफ प्रोसेस की मीनिंग होती है ना ऐसा कोई भी काम जो हम जिंदगी में करते हैं ताकि हम जिंदा रहें। तो बेटा एक्सक्रीशन भी होता है ना एक ऐसा, ये एक काम होता है, अगर हमने इसको किया हम जिंदा रहेंगे, नहीं किया तो मर जाएंगे। तो बेटा मैंने आपको चार एग्जांपल्स दी, इतना ही नहीं है बेटा, लाइफ प्रोसेस की हजारों एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको न्यूट्रिशन की एग्जांपल दी, ये लाइफ प्रोसेस है, रेस्पायरेशन का बोला, ट्रांसपोर्टेशन का बोला, एक्सक्रीशन का बोला, ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब कोई भी बेटा ऐसा काम जो हम जिंदगी के दौरान करते हैं, जिस काम के करने की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, उसी काम को बेटा हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अगर हम इन कामों को करेंगे जिंदा रहेंगे, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो बेटा याद रखना रिप्रोडक्शन ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शन करेंगे नई नस्ल आएगी, हम मर जाएंगे, लाइफ तो एग्जिस्ट करेगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, हम मर जाएंगे, लाइफ खत्म।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत लॉट ऑफ एग्जांपल्स है, बट बेटा याद रखना, याद रखना, जरा मैं आपसे बेटा आपके दिमाग से पूछ रहा हूं, आपके दिल से पूछ रहा हूं, पिकनिक जाना क्या है? क्या लाइफ प्रोसेस नहीं है? क्योंकि ये भी एक ऐसा काम है जो हम जिंदगी के दौरान करते हैं। जन्म लेने से पहले कोई पिकनिक जाता है? मरने के बाद कोई पिकनिक जाता है? नहीं, जिंदगी के दौरान हम पिकनिक जाते हैं ना, लाइफ में हम पिकनिक जाते हैं ना, पिकनिक का जाना लाइफ प्रोसेस नहीं है। सर एक काम तो है बट जरूरी नहीं है, अगर पिकनिक जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे, नहीं जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे। इसका मतलब पिकनिक जाना एक काम तो है बट नॉन लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस तो नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिस काम की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं बेटा, उसी काम को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसा काम जो हम जिंदगी में करते हैं जिसके करने की वजह से हम, या करने या ना करने की वजह से कोई इफेक्ट हमारी डेथ पे नहीं या लाइफ पे नहीं पड़ता है बेटा, उसको हम नॉन लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो बेटा याद रखना, इसी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में आपको बेटा चार टॉपिक्स है। पहला टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में पहला टॉपिक बेटा आपका है न्यूट्रिशन, पहला टॉपिक आपका बेटा न्यूट्रिशन है। फिर आपको पढ़ना है ये, यानी कि खाना पीना, खाना पीना उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें इस न्यूट्रिशन में फिर दो टॉपिक्स आपके निकलते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन एंड बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन। और फिर दूसरा टॉपिक इसी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में है बेटा आपको क्या है, रेस्पायरेशन। आपने इसमें दो रेस्पायरेशंस पढ़नी है, प्लांट रेस्पायरेशन और ह्यूमन रेस्पायरेशन। मैं समझा रहा हूं आगे हमें करना क्या है, आज बेसिक है चैप्टर की, सिर्फ मीनिंग मैंने बेटा बोली तो पता होनी चाहिए। तीसरा है बेटा, वरना चैप्टर की मीनिंग ही पता नहीं होती, इंसान पढ़ता पढ़ता जा रहा है पता ही नहीं होता है चैप्टर की मीनिंग क्या है। तीसरा बेटा आपको इस चैप्टर में तीसरा टॉपिक जो मिलेगा वो है ट्रांसपोर्टेशन। आपको पढ़ना है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन और आपको बेटा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी है। नेक्स्ट बेटा आपको क्या है, एक्सक्रीशन। आपको प्लांट एक्सक्रीशन पढ़नी है और बेटा आपको ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़नी है। सारे के सारे बेटा आप जब 11th में जाओगे ना, आपको पहले ही वहां पे फोटोसिंथेसिस का चैप्टर, वो इंशाल्लाह हम यहां पे क्लियर करेंगे इसी टॉपिक में। आप बेटा 11th में जाओगे ना, ह्यूमन, वहां पे ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइजेशन एक चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखिएगा बेटा, देखिएगा वहां वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स 11th, और 11th से बेटा यहीं पे आपको निकलते हैं, यहीं पे निकलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको, इंशाल्लाह उसका आपको यहां ही मिलेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा यही चार हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि हमें वो काम पढ़ना है इस चैप्टर में जो हम जिंदगी के दौरान करते हैं, जिस काम की वजह से बेटा हम जिंदा रहते हैं, वही बेटा टॉपिक्स हमने, वही कॉन्सेप्ट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सारा का सारा आपको कंटेंट अच्छा दिया जाएगा और विद डायग्राम्स इंशाल्लाह दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन की बारी खत्म बेटा। तो पहले बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन थोड़ा सा, ठीक है बेटा, या बस करते हैं, मुझे लगता है आज के लिए बेटा हम बस करेंगे, क्योंकि अब हम डायरेक्ट बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्या उठाएंगे हम बेटा, न्यूट्रिशन उठाएंगे, इसकी खाल खींचेंगे, न्यूट्रंस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों बोलते हैं न्यूट्रिशन, टाइप्स कितने हैं, सारा बेटा आपको अच्छे से ये क्लियर किया जाएगा इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।